Do we have Rakshita over here? Okay, no issues. ओल्ड वंस में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, जो लोग लाइक जागृति, कैन यू टेल मी हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं अब तक? सर रक्षिता मेन एक मेरा वेट 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 सुष्मिता वेट, रक्षिता प्लीज चेक योर कनेक्शन बेटा, बिकॉज अदर पीपल आर गेटिंग माई वॉइस. बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर या सो रक्षिता प्लीज, आई मीन यू मे लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. सो प्लीज़ एक बार चेक करिए, बिकॉज मेरे एंड से अगर प्रॉब्लम होती तो फिर किसी को आवाज़ नहीं आती. सो प्लीज़ चेक वंस. ओके या सुष्मिता, अब बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे बेटा. टॉपिक्स सर मुझे कौन बताएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं? सो मीन मीडियन मॉड एंड देन वी आर कोरिलेशन एंड देन रिग्रेशन मेथड्स. ओके, सो मीन मीडियन मोड जो टॉपिक हमने पढ़ा उसका कॉमन नेम क्या था उस टॉपिक का? मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज. सेंट्रल यस यस ओके ठीक है. इन तीन टॉपिक्स में से आई थिंक रक्षिता वॉज देयर इन रिग्रेशन. रिग्रेशन जब हमने किया था तो रक्षिता वॉज देयर. सो अब रही बात रवि. रवि, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज बेटा? कोई आइडिया है आपको? नो सर. लेट मी टेल रक्षिता दैट देयर माइट बी सम प्रॉब्लम एट हर एंड. वेट अ सेकेंड. ओके, सो इज इट लाइक सभी को मेरी वॉइस कट कट के आ रही है अभी? नो सर. ओके, आई थिंक आनी तो नहीं चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड वेल वर्किंग. ऑलराइट, सो लेट मी ओपन दी पावर पॉइंट. ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. यस सर. यस सर. ग्रेट, जस्ट अ सेकेंड. यस सर. ओके बेटा, जस्ट अ मिनट.
ऑलराइट, सो टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड, दीपक एक बार वापस बोलोगे टॉपिक्स आप जो हमने कर लिए हैं? सर मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, ओके, सेकंड कोरिलेशन, कोरिलेशन एनालिसिस, ओके, देन सर रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में हमने दोनों मेथड्स कर लिए हैं, वी हैव डन बोथ दी मेथड्स, यस सर, यस सर, ओके, लिस्ट में तो हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। सो एज दीज थ्री टॉपिक्स आर बिंग डन नाउ, जिन लोगों को ये आते हैं वेरी गुड, बट जिन जो लोग लेट आए हैं या पुराने में से जिनको जो भी डाउट्स हैं, सो विल बी डूइंग अ क्विक रिविजन फॉर ऑल दिस, ताकि जो लोग बाद में ज्वाइन करे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म, रवि एंड रक्षिता आर देयर इन द क्लास? आप लोग दोनों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है अभी बताइए। यस सर, यस सर। रवि को आ रही है, रक्षिता व्हाट अबाउट यू? बिकॉज सिंस बिगिनिंग ऑफ द क्लास शी इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। रक्षिता को आ रही है आवाज, ओके गुड ग्रेट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कोई एक ऐसा नंबर या डेटा बता दें जो उस पूरी डेटा सीरीज को, कंप्लीट डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर दे। और इसके अंदर हमने जो टॉपिक किया है वो है, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? मीन मीन। सेकंड मीडियन मीडियन एंड थर्ड मोड। मोड। वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट मीन, देन मीडियन एंड देन मोड। नाउ बेटा, इन तीनों कैलकुलेशंस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? वी शुड हैव सम डेटा, हमारे पास में डेटा होना चाहिए। नाउ ये डेटा हम किसी सर्वे के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक कोई क्वेश्चन एयर हुआ, या जैसे हमने क्लासेस में एग्जाम्पल्स लिए हैं, लाइक कहीं आपने सर्वे किया कि कौन सा टूथपेस्ट ब्रांड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपकी कॉलोनी में, या किस मतलब आपकी कॉलोनी में एवरेज इनकम क्या है लोगों की, तो उनकी इनकम का सर्वे आपने किया, तो यू हैव डेटा। नाउ ये डेटा स्टैटिस्टिकली दो तरह से होता है, बट हम लोग उसको तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। सिंपल डेटा होता है जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा क्या होता है, कोई बताएगा? ऑब्जर्वेशन सॉरी, डाटा, नहीं, वो अलग चीज है, बायस डेटा इज समथिंग डिफरेंट। हमने कहा सर था कि, ऑब्जर्वेशन, सॉरी, ऑब्जर्वेशन। हाँ ऑब्जर्वेशंस, बट कौन से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल सीरीज याद करिए। यहाँ पे सिंपल आपको वैल्यूज दे दी जाती थी, 2, 4, 9, 10, 15, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल डेटा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका कौन सा था, कोई बताएगा? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वेरी गुड, सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, जहां पे क्या होता था, थोड़ा डेटा जो है वो बड़ा होता था, तो हम उसको एक्स और एफ की कैटेगरी में डालते थे, लाइक 2, 4, 10, ये हो गया, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 10, 15, 25, ये हो गई। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ डेटा, या आप बोल सकते हैं कि सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस तरह से आपके सामने आ सकता है। पहला बहुत आई मीन शॉर्ट डेटा, बहुत ही लिमिटेड डेटा, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरा हो गया डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जहाँ पे आपको जो डेटा है विद फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो। और थर्ड कैटेगरी क्या था? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज,
कॉन्टीन्यूअस सीरीज और ऑब्जर्वेशंस या डेटा। कॉन्टीन्यूअस सीरीज में क्या होता था, आपको डेटा जो है वो क्लास इंटरवल वाइज गिवन होता था, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। इट कैन बी लाइक लेट सपोज 10 टू 15, देन 15 टू 20, देन 20 टू 25, देन 25 टू 30, और इस तरह से आपको यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। दीज आर दी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और डिफरेंट टाइप्स बाय विच द क्वेश्चन कैन कम इन योर क्लास। आपकी सॉरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको तीन तरह से पूछा जाता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आप MBA में आके ही पढ़ रहे हैं, ये है वी आर स्टडिंग दिस सिंस नाइन्थ स्टैंडर्ड। नाइन्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स आती है, तो हम इसी तरह से डेटा या क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं। सो यहाँ पे ये डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टीन्यूअस सीरीज में डिफरेंस क्या है? डिस्क्रीट, हाँ कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टीन्यूअस डेटा? सर इन डिस्क्रीट वी कैन नॉट यूज द वैल्यू इन अ डेसिमल फॉर्म, व्हाइल इन कंटीन्यूअस वी कैन यूज दैट। वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? टेक्निकली यही होगा ना, डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यूज होंगी और क्लास इंटरवेल नहीं होगा, इसलिए तो डिस्क्रीट डेटा है, राइट? कॉन्टिन्यूस में रेंज होगा, बट द मेन डिफरेंस इज दिस कि डिस्क्रीट डेटा will always take the integer values, like 2 आ गया तो 2 के बाद में 3 ही आ सकता है या 2 का 1 आ सकता है, but it should not be like 2.5, है ना? Continuous data में क्या होता है, data एक range में bound होता है, जैसे आपने यहाँ किया 10 to 15, so 10 से 15 के बीच में 10.5 भी आ गया, 11 भी आ गया, 11.10 भी आ गया, 14.90 भी आ गया, so this is what continuous data. डेटा जो डेसिमल वैल्यूज जिसमें आ सकती है वो कॉन्टीन्यूअस डेटा कहलाता है, और डेटा जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं आ सकती, आप इंटीजर्स में ही बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। रवि समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विच विल बी गिवन। अब हम आते हैं मेन बात पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद मीन। So when we talk about mean, first category when individual observation are given, मैं छोटे छोटे examples लेकर आपको इनके formula explain करता जाऊंगा। When individual observations are given और आपको mean calculate करने को बोला हो, mean को हम average भी बोलते हैं, arithmetic mean भी बोलते हैं, ठीक है? So इसमें क्या होगा, आपको data कुछ ऐसे given होगा 2, 4, 9, 12, 15, 10, और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डेटा। दिस इज व्हाट द कैटेगरी जहां पे जिसको हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, इंडिविजुअल डेटा सीरीज बोलते हैं। एंड दिस मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार, राइट? एक्स बार, दिस इज स्मॉल और ये, ठीक है? सो हाँ, कौन बताएगा इसका मीन कितना होगा? अरे अब तक तो मैंने ही निकाल लिया, कोई है जो बता सकता है? ओके, वी हैव सम आंसर। 10.5, 10.5, 4 to 6, 9, 6, 15, 15, 30, 42, 52, सो 52 upon 6, 10.5 कैसे हुआ योगेश? 8.67। हाँ, 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यस 10.5। योगेश कुछ आपने ऐड करने में गलती कर दी बेटा, यस। सो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के कैटेगरी केस में फॉर्मूला जो था वो हुआ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। रवि आप ध्यान देना बेटा इस पे ज्यादा, बिकॉज बाकी लोगों ने ये पहले पढ़ रखा है। सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। नाउ वॉट इज दिस सिग्मा? दिस सिग्मा इज ऑलवेज वॉट, सम। सो जनरली मीन का जो भी फॉर्मूला होता है वो यही होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय
number of observations. Sum of observations divided by number of observations. तो इसका sum of observation हमने किया तो 2 plus 4 plus 9 plus 12 plus 15 plus 10 और उसको divide कर दिया number of observation से 1, 2, 3, 4, 5, 6 so it will be 6 so इसका sum कितना आएगा 52 yes sir So, yes sir. Yes sir. Equal to 52 divided by 6. 52 को 6 से आप डिवाइड करेंगे, तो 8.6 और समथिंग आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, रवि समझ आया? Yes sir. And Rakshita is there? I think. Yes sir. Okay. Is it clear? Yeah, Rakshita, I think you are from maths background also, na? BCA or something. Yes sir. This might be quite easy for you. Yeah. Okay, so second is discrete series or discrete observations. Now, in case of discrete observations, आपको जो question given होगा वो कुछ ऐसा होगा x and frequency, let's suppose 10, 20, 25, 30, and their frequencies like 6, 9, 4, 3, let's suppose. And question is, what is the mean? Now, mean ka theek hai, formula hum abhi likh lenge, kar lenge, but the point is ki ye discrete series jo mujhe given hai, ye hai kya? Ye hai beta ki aapne jo bhi data collection kiya, wahan pe jo 10 hai, wo 6 times aaya hai. यानी अगर मैं इसको स्प्लिट करूं खोलूं तो 10 जो है आपके ऑब्जर्वेशन में 6 टाइम्स आया है ठीक है इसी तरह से 20 जो है वो 9 टाइम्स आया है तो अब आप सोचिए अगर डेटा मैं आपको क्वेश्चन में इस तरह से गिवन होगा दूंगा तो एक तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और आपके लिए उसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए जब इंडिविजुअल डेटा सीरीज में डेटा बहुत ज्यादा होता है तो उसको समराइज करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और वो टेबल बनते ही वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है उसी को डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं तो यहां पे आपको अगेन मीन का फॉर्मूला जो यहां काम आएगा मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ अब ये फॉर्मूला ठीक है आप कई लोग रट लेते हैं याद कर लेते हैं बट अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको लॉजिक यही समझ में आएगा कि यहां भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही काम कर रहा है ओवर हियर आल्सो वी आर अप्लाइंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे देखिए आपको मैंने बोला सिग्मा एफ एक्स यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले सो एफ इंटू एक्स बहुत सिंपल सी चीज है हर इंडिविजुअल एफ को उसकी एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो लाइक 6 इंटू 10 विल बी 60 9 इंटू 20 विल बी 180 25 इंटू 4 विल बी 100 एंड 30 इंटू 3 विल बी 90 नाउ ये जो 60 180 100 90 आया ये क्या आया 10 को 6 टाइम्स ऐड करो या 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो क्या दोनों का आंसर अलग अलग होता है Again, I am repeating, if I am adding 10 6 times or I am multiplying 10 by 6, answer same aayega ya alag alag aayega? Same sir. Same aayega sir. Same. Similarly, same. when I am adding 29 times ya 20 ko 9 se multiply karun, toh bhi same aayega. To ye jo sigma fx hai, this sigma fx is nothing but sum of observations. So this sum of observations will be कितना आएगा ये 430 okay so sigma fx is 430 ठीक है now बात करते हैं sigma f की sigma f क्या है f is what this 6 यानी 10 6 times आया है 29 times आया है 25 4 times आया है और 33 times आया है यानी this f का total is nothing but what number of observations कितने observations हैं आपके सामने आपके क्वेश्चन में आपके सर्वे में आपके डेटा कलेक्शन में कितने ऑब्जर्वेशंस है सो व्हेन वी ऐड देम विल गेट 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस सर सो सिग्मा एफ इज यस सर 22
ठीक है रवि, यहां तक कोई दिक्कत? रवि रक्षिता? नो सर। ग्रेट। नो सर। सो नाउ एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो बहुत इजी है। एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स इज 430 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज 22। फटाफट सॉल्व करिए और बताइए क्या आया आंसर। 19.54। ओके 19.54। आई थिंक सब एग्री करेंगे, सभी का यही आ रहा है। ओके वी आर गेटिंग आंसर इन दिस 19.54। ओके ओके ग्रेट। सो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज और डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन के केस में मीन। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद मीन। थर्ड कैटेगरी जो है वो है आपका कॉन्टिन्यूस डेटा। नाउ इन केस ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस डेटा क्वेश्चन विल बी लाइक, आपको क्लास गिवन होगी और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सो व्हेन दे विल बी गिविंग यू द क्लास, व्हाट दे विल बी डूइंग, लाइक 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30 एंड एक और ले लेते हैं 30 टू 35 लेट्स सपोज, एंड फ्रीक्वेंसी इज लाइक 10, 15, 25, 20 अगेन 10। ठीक है। सो इन दिस केस देयर इज नो अदर फॉर्मूला। कॉन्टिन्यूस डेटा के केस में भी फॉर्मूला जो रहेगा मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही रहेगा। बट नाउ वेयर इज एक्स? एक्स हमारे पास में नहीं है। सो इन दिस केस इस एक्स को निकालने के लिए हम एक बोलते हैं मिड वैल्यू, और उस मिड वैल्यू को निकालने का कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है। इट इज सिंपल, आप क्लास की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है उसको समझिए। दिस 10 15, सो ये 10 15 जो आपकी क्लास है उसमें ये 10 जो है दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस 15 इज अपर लिमिट। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। ओके सो 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 12.5। सिमिलरली 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 बताइए। 35 अपॉन 2 कितना हुआ? 17.5। ओके सो यस सर। ग्रेट। देन नेक्स्ट 22.5, देन नेक्स्ट 27.5 एंड नेक्स्ट 32.5। सही है? सब सही लिखिए मिड वैल्यू 22, 27, 32। ओके सो रवि, नाउ वी हैव एक्स एंड वी हैव एफ, क्या करेंगे बेटा? वी मल्टीप्लाई 10 इंटू 12.5। वेरी गुड, विल फाइंड एफ एक्स। सो 10 इंटू 12.5, 15 इंटू 17.5, 25 इंटू 22.5, 20 इंटू 27.5 एंड 10 इंटू 32.5। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम रवि। रवि फटाफट इनका मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में सिग्मा एफ एक्स मुझे बताइए कितना आया एंड देन एक्स बार बताइए कितना आया। आई एम वेटिंग एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग भी अपना आंसर चैट में डाल सकते हैं, बट आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम रवि एंड रक्षिता फर्स्ट।
Okay, Nisha has posted the answer. I'm waiting for others to respond. I want every, I mean all the, I think approximately 10 people available in the class to answer, please. Rakshita has posted the answer. Okay. Okay. Mitakshi has posted. So Yogesh, Nisha, Yogesh, Rakshita and Mitakshi and Ravi. Okay, good. So I've got the answer from Ravi and Rakshita, and I hope other members are also doing the question and soon they'll be posting the answer. Deepak, okay. Waiting for the answer from Soma and I think Sushmita. Jagrati has given the answer. Soma, are you there in the class, beta? Yes, sir. Okay, so I think that this revision is also good for you. I mean, you have a kind of a fear of maths, तो अब एक revision आपको हो रहा है तो please अब अपने mind में कोई भी doubt नहीं रहना चाहिए, है ना, अगर कोई minor सा no. गया है तो. So what is your answer? You are solving the question or not? कर रही हूँ sir. Okay. All right. So this is how we'll calculate. Okay, quickly tell me, what is sigma fx? So 1825. Okay. And what is sigma f? 80. 80. Okay. Yes, sir. So x bar will be 1825 divided by 80. And you will be getting, all of you are getting x bar as 22.81. 8125. That's okay. Two decimal places तक हम ले लेंगे तो चलेगा. So this is how. Yes, Ravi, बेटा mean calculate करना आ गया? कोई problem mean में? Okay, we have got answer from Sushmita. No sir, no. No problem. No very sir. Very good. ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत fast चल रहे हैं, थोड़ा और slow कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं, वैसे मेरा पढ़ा हुआ, बाकी मेरे थोड़े मार्क्स से वैसे आउट हो रहा था ना इसीलिए. हाँ नहीं कोई बात, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिकॉज सिंस यू आर फ्रॉम बीकॉम एंड रक्षिता इज फ्रॉम बीसीए, तो ये स्टैट्स तो आप लोगों ने पढ़ी है, इसीलिए हम थोड़ा सा उसको रिवाइज एक थोड़ी स्पीड में कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको लगे कि सर थोड़ा सा स्लो डाउन कर दीजिए तो प्लीज लेट मी नो, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ 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 जी सर. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस क्विकली मूव ऑन टू मीडियन. हम मीडियन में भी काफी पार्ट अभी कर सकते हैं. सो मीडियन के केस में फर्स्ट कैटेगरी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या इंडिविजुअल सीरीज. वेट अ सेकंड. ऑलराइट, सो मीडियन को जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. मीडियन होती क्या है? द वैल्यू, मिड वैल्यू, मिडिल वैल्यू रादर. सो देखिए, सपोज मैंने लिखा 2, 9, 3, 1, 5. ओके, ये हुआ, इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी? अब मिडिल 3. ओके, अब मिडिल वैल्यू से हमारा मतलब क्या है? मीडियन देखो वो वैल्यू है जो आपके डेटा सीरीज को 50% लेफ्ट साइड और 50% राइट साइड में डिवाइड कर देती है. आपका आधा डेटा, हाफ पोर्शन ऑफ द डेटा विल बी देयर और हाफ पोर्शन ऑफ द डेटा विल बी देयर, और ये जो बीच में ये वैल्यू होती है, दिस इज मीडियन, दिस इज नथिंग बट मीडियन. अब मीडियन कभी भी हम कैलकुलेट करेंगे, आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए बुक में देखेंगे तो कुछ फॉर्मूले एन प्लस वन बाई टू और एन, वो सब कुछ गिवन होता है, बट ट्रस्ट मी, मैंने कभी उन फॉर्मूलेज को ना पढ़ा ना पढ़ाया. सिंपल सी बात है, आप इस सीरीज, जो भी सीरीज आपको गिवन हो, इंडिविजुअल के केस में बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल के केस में आपको जो भी सीरीज गिवन हो, आप उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें,
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, मतलब या तो कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, किसी भी एक आप वे में उसको अरेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं इसको असेंडिंग में करूँ तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है 1, देन आई हैव 2, देन आई हैव 3, देन आई हैव 5 एंड देन आई हैव 9, सब हो गया। अब ये अरेंज्ड डेटा में आप सिंपली देख लीजिए कि आप ये दो ऑब्जर्वेशन यहाँ छोड़ दीजिए और ये दो ऑब्जर्वेशंस यहाँ छोड़ दीजिए और ये जो बीच वाली वैल्यू क्लियरली आपको मिल गई, दिस इज योर मीडियन। सो मीडियन फॉर दिस क्वेश्चन, दिस स्मॉल क्वेश्चन इज 3 बेटा, ठीक है। नाउ आगे आते हैं। सपोज आपको डेटा कुछ गिवन है 2, 9, 1, 3, 5, 10, लेट सपोज ये आ गया। अब सर ने कहा था इंडिविजुअल के केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज किया तो 1, then 2, then 3, then 5, then 9, then 10। अब यहाँ आ गए हम। अब सर ने कहा था दो यहाँ छोड़ दो, दो यहाँ छोड़ दो, या अगर मैं देखूँ तो 3, 3 यहाँ चले गए, तो ये तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। सो ये तो गड़बड़ हो गई। सो 1, 2, 3, 5, 9, 10, इस केस में हम क्या करेंगे, ये यहाँ किया हमने, दो यहाँ छोड़े, ये बीच में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, कितने ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, 5, और 5 यानी कि ऑड नंबर, और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 विच इज इवन नंबर। सो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब भी होंगे आपको क्लियरली एक सिंगल वैल्यू बीच में मिल जाएगी, लेकिन जब भी आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे बीच में आपको दो वैल्यूज मिलेंगे हमेशा। सो इस केस में कुछ नहीं करना, m इज इक्वल टू ये जो बीच की दो वैल्यूज हैं इनका एवरेज ले लो, 3 + 5/2, सही बता रहा हूं, ऐसे ही करा था हमने। यस सर। ओके, सो 3 + 5/2, 8/2 विच इज 4, 4 विल बी योर आंसर। योगेश आंसर गड़बड़, ओके अब 4 आ गया, ठीक है। सो यस रवि, कोई प्रॉब्लम इसमें, रवि एंड रक्षिता, ओके रक्षिता इज सेइंग नो, आई थिंक रवि इज फेसिंग सम कनेक्शन एरर समथिंग, इज नॉट गेटिंग। ओके, सो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल डेटा सीरीज। नेक्स्ट अगेन कंटिन्यूइंग विद मीडियन, सेकेंड कैटेगरी और कर लेते हैं, बहुत ईजी है इसलिए इसको भी मैं अभी बता रहा हूँ। ओके रवि इज ऑल्सो सेइंग ओके राइट। डिस्क्रीट सीरीज, सो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन तो पता ही है कैसे आएगा, क्वेश्चन सर ऐसे आएगा, एक्स गिवन होगा, एफ गिवन होगा 15, 20, 25, 30, 40, लेट्स सपोज, एंड फ्रीक्वेंसी विल बी 2, 4, 6, 8, 12 समथिंग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मीडियन के केस में जब भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, एफ गिवन हो, जो कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों में ही होगा, वी विल फाइंड आउट, सबसे पहले हम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। आप सबसे पहले इस एफ वैल्यू, फर्स्ट एफ वैल्यू को लिख दीजिए, फिर आप नेक्स्ट जो वैल्यू है 4 को इस 2 में ऐड करके लिख दीजिए, 6, 6 को इस 6 में ऐड करिए तो 12, 12 में 8 ऐड करिए तो 20, और 20 में 12 ऐड करेंगे तो 32। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, देन वी विल फाइंड आउट सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब एफ का टोटल कितना आएगा, 32, चेक कर लीजिए एक बार। सो सिग्मा एफ इज 32। नाउ फाइंड आउट सिग्मा एफ अपॉन 2। सो सिग्मा एफ अपॉन 2 इज 32 अपॉन 2 विच इज 16।
क्या किया, सबसे पहले क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाई, सिग्मा एफ कैलकुलेट किया, सिग्मा एफ अपॉन टू किया, वो तो आया 16. नाउ चेक सी एफ जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू 16. 16 से बड़ी चलेगी, जस्ट ग्रेटर या 16 के इक्वल. तो सी एफ में हम गए तो 16 तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन 16 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू है 20. सो 20 की रिस्पेक्टिव एक्स वैल्यू विल बी योर मीडियन. सो एम इज इक्वल टू 30. राइट, एम आई राइट? ऐसे ही किया है, ऐसे ही करते हैं. यस सर. ओके, सो रवि एंड रक्षिता, आज की यहाँ इस रिवीजन क्लास में अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की? नो सर. नो. सो हम इस मीडियन को यहीं तक रख रहे हैं. आई रिक्वेस्ट यू रक्षिता, आई थिंक आपने तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है, रवि आपने नहीं किया है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसका कोड दे दूंगा, तो आप गूगल क्लासरूम को एक बार ज्वाइन कर लें. उसके अलावा वी हैव आई मीन ऑल दीज रिकॉर्डिंग क्लासेस जो पुरानी है वो हमारे UEM जयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है. तो प्लीज़ एक बार रवि आप उसको विजिट करें और उसकी जो इनिशियल क्लासेस हैं उनके वीडियोस को एक बार देखें, आपको फाउंडेशन मिल जाएगी, तो ये रिविजन में आपको और आसानी होगी. ठीक है बेटा? ओके सर. राइट, जस्ट अ सेकेंड.